एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद समन सिमरन। और आज की जो रेसिपी है वो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मैंगो शेक की रेसिपी। आप देख सकते हैं मैंगो का सीजन आ चुका है और काफी पके पके मैंगो हैं यहाँ पे मेरे किचन में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ मैंगो शेक की रेसिपी शेयर करूँ। वैसे तो ये रेसिपी काफी बेसिक है लेकिन कई लोग अभी भी इसे बनाना नहीं जानते हैं और हर रेसिपी को बनाने का सबका अलग स्टाइल होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने स्टाइल में आपको ये रेसिपी सिखाऊं। तो आइए देखते हैं इस मैंगो शेक को किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है 250 ml मिल्क। मैं वन सर्विंग के लिए बना रही हूँ इसलिए सिर्फ यहाँ पे मैंने 250 ml मिल्क लिया है और एक टुकड़ा है मेरे पास बर्फ का और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है मैंगो, एक ही आम काफी होगा। तो आइए चलते हैं इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन चीजों को साइड पे रखें, एक प्लेट ले लें और अब यहाँ पे ले लें इस मैंगो को। मैंगो को मैंने धो लिया था, अब हम इसे पील कर लेंगे। ये जरदालू आम है। तो ये देखिए गाइस, मैंने मैंगो को पील कर लिया है, अब मैं इसे चॉप कर लूंगी। रफली चॉप कर ले इसे, किसी भी तरीके से चॉप कर सकते हैं आप इसे क्योंकि इसे अभी ग्राइंड होना ही है। ये देखिए गाइस, मैंने मैंगो को अच्छी तरीके से रफली चॉप कर लिया है, तो इसे भी साइड पे रख लें। तो आम को साइड पे करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एक मिक्सर का जार। सबसे पहले उसमें डाल दें मिल्क को, आइस क्यूब और मैंगो के पीसेस को और इसकी गुठली को हम इस तरीके से स्क्वीज कर देंगे इसमें ताकि इसका सारा जूस निकल जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए गाइस, मैंने इसे अच्छी तरीके से स्क्वीज कर लिया है, अब बिल्कुल भी इसमें जूस नहीं है। अब इसके लिड को हम कर लेंगे और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसे अच्छी तरीके से सेट कर। बस हमें इसे हल्का हल्का सा ग्राइंड करना है 2 से 3 बार। तो हमारा शेक बनके तैयार हो गया है, अब मैं इसे देख लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, शेक बनकर तैयार है, अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। तो सर्विंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है, अब मैं इसे थोड़ा सा मैंगो जेली से डेकोरेट कर लूंगी। रेसिपी काफी ज्यादा सिंपल है तो आप इसे अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने ग्लास को डेकोरेट कर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मैंगो शेक। आप देख सकते हैं इसमें मैंगो के कुछ चंक्स मौजूद हैं, इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है। तो मैंने इसे सर्व कर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा काजू और अब इस पर डाल दे थोड़ा सा मैंगो। तो बनकर तैयार है ये यमी सी मैंगो शेक की रेसिपी। आप देख सकते हैं गाइज, ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट में ये पीने में उससे कई ज़्यादा ये टेस्टी भी है। तो अगर आपको मेरी ये यमी सी मैंगो शेक की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।